Thanks for watching Anjum Rides. Don't forget to like, comment, share and subscribe. इन्होंने कहा है कि एक इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपए होनी चाहिए। आज मैं मैसूर वालों को, कर्नाटक वालों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आज कर्नाटक ने ये आज वो काम करके दिखाया जो असल में मुसलमानों को करना चाहिए था। डॉक्टर नदीम साहब ने ये कहा कि इमाम साहब एक इमाम की तनख्वाह 50,000 से कम हदिया नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा मौजिन को कितना दोगे? तो उन्होंने कहा कि मौजिन साहब चूंकि अजान देते हैं अल्लाह के घर में तो उसको भी 35,000 रुपए कम से कम मिलनी चाहिए। आज इमाम साहब ये गवाह बन के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम इमाम साहब आपका? हाफिज सिकंदर साहब को अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वादा किया है कि आज से ये इमाम साहब को 50,000 रुपए देंगे, ये अपनी मस्जिद के इमाम साहब को 50,000 देंगे। मस्जिद देखो रो रहा है आज इमाम हमारा, क्या किस उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? इसके खुशी के आंसू है क्योंकि हमारे साथ किसी ने कभी ये बात नहीं सोची कि इमामों की, उलमा की जिस दिन से कदर खत्म हुई है हमारी कौम पीछे चली गई है। आज अगर तुम्हें अपनी कौम को अच्छा करना है तो हर मस्जिद से, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको जो कह रहा हूँ कि हर मस्जिद से हर इमाम की उसको हदिया 50,000 रुपया होना चाहिए, मौसिन को 35,000 रुपया होना चाहिए। ये तो बहुत थोड़ी बात है, जितना और ज्यादा हो सकते देना चाहिए। आज मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ भी कर रहा हूँ, डॉक्टर नदीम आपने वादा किया और आपने वादा किया कि आप इमामों के लिए बेहतर करेंगे, तो मैं अल्लाह की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे आपके इस जज्बे को, हमारे जज्बे को कबूल फरमाए और पूरा हर हिंदुस्तान के अंदर आज 50,000 रुपए का हमने बातचीत तय करी है। इंशाल्लाह अगली बार जब आऊंगा मैसूर तो मुझे लगता है कि डॉक्टर नदीम 1,00,000 रुपए का शायद ऐलान करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। अब मुझे लगता है कि हर जगह बदलाव की तरफ लोग जा रहे हैं, महंगाई का जमाना है, लोग पैसे नहीं है, इमाम क्या करेगा बेचारा, उसके पास उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसकी जरूरतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर साहब ये भी आप कह दीजिए कि आपके मेडिकल हॉस्पिटल में जो बनेगा, जो इमाम होगा, जो मौसिन होगा, उसका फ्री इलाज होगा, आज ये भी आप कह दीजिए। सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में का इमाम और मौसिन नहीं, जो कोई भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के इमाम और मौसिन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो फ्री इलाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब, ये इमाम साहब और याला मस्जिद के इमाम साहब हमारे इमाम को बोले जाए अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों का तरफा अस्पताल की तरफ से, मेरे तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तरफ से भी नहीं, हमारे अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरा जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपने मेरा हक अदा कर दिया, आज मेरा मैसूर आना कबूल हो गया और आपका हॉस्पिटल चालू हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जज़ाकअल्लाह।